आज हम लोग बनाने वाले हैं मटन सूप। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आप सभी को कैसे बनता है मटन सूप। हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल। डाल दिया 2 चम्मच सरसों का तेल। एक 5 मिनट गर्म होने के बाद अब डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्ची। डाल दिया इसमें ये खड़ा गरम मसाला। मिर्ची कौन कौन सी? ये हरी प्याज, प्याज और हल्की सी मिर्ची और बस। तब इसमें जब तक ये लाल नहीं होगी ना, जब तक इसमें मटन नहीं डालेंगे। लाल होने के बाद मटन डालेंगे। अब डाल रहे हैं अपन मटन। ठीक है, नमक डाल देंगे। नमक डाल वहाँ पे रखना पड़ेगा, नमक डाल दीजिए 1 चम्मच और उसमें डाला इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी। हाँ रोको थोड़ा सा, और 1 चम्मच डाल दी ठीक। और इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला अब इसको तार के रहेंगे और इसको कर देंगे अपन बंद। सब डाल बंद कर देंगे, फिर अपन बनाएंगे अलग से मसाला। ये तो अभी केवल अपन उबाल रहे हैं, इसको अपन ने अभी फ्राई किया है। इसके बाद अपन इसको बनाएंगे अपन इसको मसाला, अभी केवल फ्राई कर देंगे। बंद कर फ्राई किया जाए। इसको फ्राई करेंगे और इसमें लगाएंगे अपन 4 सीटी बस। 4 सीटी के बाद पक जाएगा। इसके बाद अपन डालेंगे फिर इसमें जो पूरे मसाले बनाए हैं वो डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, फिर इसको अपन सीटी लगा देंगे। लगा के सीटी लगा देंगे जिससे अपना जो पक जाए। ऐसा रखेंगे तो पकने में देर लगती है। इसमें सीटी लगाएंगे अपन 4। मटन उबल गया है, ये देखिए। अब इसका आप सूप पी सकते हैं, जिसको बोलते हैं गुड्डी का सूप। इसको पीने से घुटने में दर्द खत्म हो जाता है। इसका पीने से घुटने में जो दर्द रहता है ना, देखिए देख लीजिए
ये सूप तैयार हो गया है। ये हमारा सूप यहाँ पर रेडी हो गया है, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल लाल सूप दिख रहा है ये आपको। सूप लेने के लिए ये मटन सूप है, बिल्कुल शानदार वाला। और ये कितना टेस्टी बना, मस्त। हमारा मटन सूप बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको ये सूप का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।